अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? 42 dB आता है, वहाँ पे हमारा दोस्त रहता है, उससे मिलने के जा रहे हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि हसन भाई ने आपको बताया कि आज हम गांव अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, चलिए चलते हैं। आए, हाय हाय हाय, चस्सा। ये सामने हमारे, ये सामने देख रहे हैं, ये 42 dB गांव का माहौल है। ये लोगों ने अपना अपना ये जो कपास होती है उसकी छटियां रखी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं कि बालन रखा हुआ है, पंजाबी जी शीटियां कहते हैं। व्यूअर्स, फाइनली हम अपने दोस्त के पास पहुंच चुके हैं। ये हसन भाई अपने दोस्त से मिल रहे हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, आपको खैरियत है? ये हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा क्लास फेलो, सब कुछ ये आदिल भाई हैं। इससे हम मिलने आए हैं 42 dB में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो अब हम खाना खाने लगे हैं, तो जैसे ही हम खाना खा के फ्री होते हैं तो उसके बाद हम आपको फिर इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे। इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया, हमारी सेवा की, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी तरफ से ये कमेंट्स होंगे कि आदिल भाई ने हमारी काफ़ी खिदमत की, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें रिसीव किया, उसके बाद हमें खाना खिलाया, चाय, और इसके बाद ये गाजर का हलवा लेके आए हैं, और बहुत ही ये स्वीट है और बहुत ही मज़ा आ रहा है खाकर। और थैंक यू सो मच आदिल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? आप आए बहुत खुशी में, समझ रहे आप, समझ रहे हो ना? तो व्यूअर्स, होप सो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो देखकर। फाइनली व्यूअर्स, अब हम खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकलने लगे हैं। अब आदिल भाई हमें अपने गांव की सैर करवाएंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा इनका गाँव। तो व्यूअर्स, ये इनका डेरा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इनके जानवर वगैरह हैं, और ये सामने ये कच्चा रोड जा रहा है तो इनके घर की तरफ। इन्होंने एक ट्यूबवेल लगवाया हुआ है जो कि सोलर प्लेट्स पे चलता है। ये अब हम जा रहे हैं ट्यूबवेल की तरफ। अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। तो फाइनली व्यूअर्स, ये अब हम आदिल भाई के ट्यूबवेल पे आ चुके हैं। धूप निकली है तो जिसकी वजह से मौसम जो है काफी बेहतर हो गया, तो अब हम बाहर आए हैं। तो जैसे कि आपको दिखाया कि ये हमारे जो है आदिल भाई का ये ट्यूबवेल है, ये सोलर प्लेट के ऊपर चलता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। तो आदिल भाई को थोड़ा सा काम था, वो अपने डेरे पे रुक गए हैं, वहाँ पे एक्चुअली उनको वहाँ पे थोड़ा सा काम था। गया प्यार व्यूअर, तुसी जिदा के देख सकते हो आदिल भाई दा डेरा पीछे रह गया, ते आ सी उन्ना दी हैं फसलां ते। व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं आदिल भाई के जो डेरे के ऊपर, जमीनों के ऊपर जो आम के दरख्त हैं। व्यूअर्स, ये मेहंदी का बूटा लगा हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे बूटे लगाया मैं। मेहंदी आप जानते हैं ना कौन सी मेहंदी? वही जो आप सरों पे, हाथों पे लगाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और जी अंकल ने अभी हमें मूली उखाड़ के दी है, ये देखें दूसरी। शुक्रिया अंकल जी, शुक्रिया अंकल जी। अंकल जी ने सानू मूलियां तोड़ के दित्तियां इत्थों, ते समी भाई खाले चो मूलियां धोई जांदे आ, देखदे पए हो तुसीं। दो मूलियां, एक मेरी है ते एक इहदी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? जिहड़ियां ना बहुत ही मजेदार ने देखण नूं लग रहीयां। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੂਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾ ਕੇ। ਮੂਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ वो कड़वी होती है, मीठी मूली है। और हमने जस्ट इसको पानी से धोया, उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया, छिलका भी नहीं उतारा। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे, शुगर मेले का शुगर मेला, काम का काम हो गया, लगा ही रखो शुगर मेला। ओ मुंगरे लगे हो जड़ा जना सफेद फोलिया। हाँ ठीक हो गया, इन्हां दे मुंगरे लगदे ना, मुंगरे या सुंगरे? सुंगरे लगदा शायद हुंदी, मुंगरे होर शायद। चल चलो जाके इलाज कराओ। सही है, अच्छा अच्छा, मीठा सिंधड़ी है। कहां से आते हैं ये? की जाके बच्चियां नु खवाएगा, इसे वजह तो साड़ी जड़ी नवी पौधा सही रास्ते नहीं ना जा। बिल्कुल बिल्कुल, रिज़्क़े हलाल ही नहीं खवाना।
अपना रकबा मेहनत करी थी। बारिश आता है तो पानी आता है। चाचा जी ने सानू अपनी जमीन की सैर कराई, सानू बड़ा मजा आया, उत्थे एंजॉय किया। वापस घर जा रहे हैं।